साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। फटाफट साथियों एक बार जुड़ जाइए। अभी मैं डॉक्टर प्रियंका चौधरी के घर के बाहर आया हूं। यहां लोगों की भीड़ उमड़ रही है। रात को टिकट की घोषणा हो गई बीजेपी की। दीपक कड़वासरा को टिकट मिलने के बाद यहां लोगों की भीड़ जमा हो गई है प्रियंका चौधरी के घर के बाहर। तो अभी मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं और कुछ ही समय बाद पूरा ये क्या कार्यक्रम है उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा। तो उससे पहले फटाफट एक बार शेयर कर दो साथियों इस पोस्ट को, फिर आपको पूरी तस्वीरें मैं लाइव दिखाऊंगा यहां से। साथियों ये देख लो, युवा में उससे देख लो, प्रियंका के घर के बाहर की तस्वीर है, देख लो सुबह से ही भीड़ आनी शुरू हो गई है। से बात करते हैं क्या क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नगराज गुदर है, मैं भाटका मंडल का महामंत्री हूँ। मैं भाजपा से आज इस्तीफा दे दिया है डॉक्टर प्रियंका चौधरी के सम्मान में। भाजपा ने बाड़मेर जिले से एक भी महिला को टिकट नहीं दिया है। बात करते हैं 50% आरक्षण की। हम डॉक्टर प्रियंका के चौधरी, हमारी भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है, छत्तीस को हम की भावना से खिलवाड़ किया गया। तो दीपक कड़वासरा है ना, वो भी भाजपा से है और चौधरी है जाट। उनका कोई अभी फील्ड में मैदान में उनका नाम नहीं जमा अभी तक, उन्होंने मेहनत नहीं की अभी तक। प्रियंका जी को टिकट नहीं मिलने से कितना आक्रोश है? क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईसा खान है, मेरा गांव बिसाड़ा है, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। ये बाड़मेर की टिकट है जो पैसों से बिकी है। ये बनिए बनिए लोग हैं जो सूरत से पैसे अमित शाह के पास ले गए हैं, बाड़मेर के ले गए हैं। जीतने वाले के लिए नहीं, यहाँ भी पैसा लेके इतना इतना बड़ा लीडर दिल्ली में बैठ करके टिकटें बेचता है और इतना निर्दयित काम करता है। देखो जीतने लायक उधर, यहाँ देखो सर्वे है तो प्रियंका चौधरी का 63% है, नहीं दीपक चौधरी का 2% है, नहीं किसी का रूपा राम का है, नहीं कोई खेता का नाम है। कैलाश चौधरी के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, केंद्रीय मंत्री है। चलो सभी सभी कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, कितना आक्रोश है इनमें साथियों, देख लो आप। युवा मोर्चा जिला महामंत्री, और जब मैंने आज से 3 महीने पहले चप्पल त्यागे थे, मैडम को संकल्प लिया था, मैडम को विधायक बनाने के लिए, लेकिन वो संकल्प पूरा होगा और उसी दिन हम चप्पल पहनेंगे। ये चाल किसकी चली है साहब? और क्या नाम है आपका? चौधरी की चली है, कैलाश चौधरी की चली है। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी का एक भी उम्मीदवार नहीं जीतेगा। हम किसी सिंबल के गुलाम नहीं है, हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी है जनता, सबसे बड़ा सिंबल है जनता। जनता ने अपना सिंबल नामांकन की रैली में प्रियंका चौधरी को दे दिया था। अब कोई ताकत, कोई मैका लाल नहीं जीत। क्या नाम है आपका? सिंह भाटी है, मैं बीजेपी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। हमारे साथ 2008, 2013, 2018 और 2023 में धोखा हुआ। 2008 में गंगाराम जी चौधरी साहब की टिकट यहाँ फाइनल थी, मगर वही नाम पैसों से टिकट बिकी। 2013 में पैसों से निर्दलीय उठाया गया, 2018 में फिर पैसों से टिकट बिकी, 2023 में फिर पैसों से। मैं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं, हम 5 साल यहाँ पर
हमने 5 साल यहाँ मेहनत करके एक अच्छा सा नेता तैयार करते हैं और ये में और यहाँ का विधायक यहाँ पे हमको खड़े होकर कहता है कि ये नहीं तुम्हारी मेहनत, ये 35 करोड़ रुपए और ये मेरा कैंडिडेट। अरे चगन, क्या नाम है आपका? लाबूराम। लाबूराम जी कहाँ से आए हो? बोला से। प्रियंका जी की टिकट कटी है क्या? आपको क्या साल सब इन है क्लास की क्लास बिकी है जनता किसान का जो मत बांध हुआ क्लास ने बांट दिया पूरी जनता को। हमें हरों की रुझान है जो कहते हैं ना कि मैडम ने एक लेन देन बोल रही है, एक ओली बोल रही है, बिल्कुल एक ओली नहीं, 15 साल से हमारी इतनी सारी ओलियां बाकी है इनसे, किससे? बीजेपी से और कैलाश चौधरी से। हर कार्यक्रम में हर जगह जवाब डॉक्टर प्रियंका जी चौधरी से पैसे लिए गए, डॉक्टर प्रियंका जी चौधरी से गाड़ियों का भाड़ा लिया गया, खर्चा लिया गया। कैलाश जी से बात करते थे, कैलाश जी कहते थे कोई भी कार्यक्रम करवाना है तो दावेदार प्रियंका चौधरी है, आप उनसे खर्चा लीजिए, तो हमारी वो ओलियां सुखा दो। आप कौन सी ओलियों की बात करते हो? हाँ बोलो नाम का जिस प्रकार बीजेपी ने हमारे नाम का जसवंत सिंह जसोल जो बीजेपी के संस्थापक के उनकी टिकट काटी थी, उसी प्रकार आज हमारे यहाँ पे बाड़मेर के सबसे बड़े बीजेपी के संस्थापक गंगाराम जी चौधरी साहब की पोती की टिकट काटी गई है। ये हमारे साथ बाड़मेर के साथ एक अन्याय कहते हैं। हम एक 5 साल में नेता तैयार करते और ये नाम का 35 करोड़ में ये टिकट भेज देते, हमको ये बर्दाश्त नहीं है। हम इसके बीजेपी के खिलाफ है और हमारा एक ही नारा है, प्रियंका चौधरी क्या कर रहे हो? एक मिनट रहो यार, क्या करो? कैलाश चौधरी को लोकसभा सत्र से हम बाढ़ में जैसे में से नानी याद दिला देंगे हम यहाँ से साथियों, ये कह रहे नानी याद दिला देंगे। चलो और आगे बात करेंगे और भी। क्या नाम है आपका? करीबन 1000 साथी जुड़े हैं, एक बार शेयर कर दो साथियों इस पोस्ट को। हाँ सर, बाबूलाल जी क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाड़मेर की सीट 35 करोड़ में बिकी है। 35 करोड़ में? 35 करोड़ में बिकी है, मेवाराम ने खरीद ली है। मेवाराम ने 35 करोड़ रूपए कैलाश मंत्री को दिए, उसकी वजह से ये सीट बिक गई है। साथियों पूरी तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ आगे तक, फटाफट शेयर करते रहिए। बाड़मेर की चलो यहाँ बुजुर्ग लोग भी कुछ बैठे हैं, इनसे भी बात करेंगे, जानकारी लेते हैं। बस सर, नाम है आपका? सर जो